हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज, आज की तमाम बड़ी खबरों की। तो आज की सभी बड़ी खबरों में बहुत ही काम की और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही दोस्तों। सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान हैं, कुछ नए नियम हैं, बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगर आपका भी बैंक खाता है तो आपके खाते में पैसे जमा को लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट है। आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ राज्यों में नए नियम बनाए गए हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं एक एक करके सभी तमाम बड़ी खबरों को। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, तो देख पा रूंगी चीनी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ मोदी सरकार ने शुरू की सख्त कार्रवाई, नहीं कर पाएंगी धोखे से कमाई। जी हाँ दोस्तों, एक नियम का फायदा उठाकर टैक्स और कस्टम ड्यूटी चुकाने से बचती हैं चीनी कंपनियां, और ऐसे में देश में अब अपने सामान को गिफ्ट के तौर पर भेजकर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी बचाने वाली चीनी कंपनियों की अब खैर नहीं होगी। ये मेड इन चाइना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हमारे भारत में सेल करके कमाई करता ना, तो उसी के ऊपर टैक्स को बढ़ा करके सरकार ने इस तरह का दांव पेच खेला है कि अब भारत को कुल मिलाकर के ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, रुपये रुपये के लिए मोहताज हुआ पाकिस्तान, छीनने वाली है 10 लाख लोगों की नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की माली हालत अभी बेहद खराब चल रही है, महंगाई आसमान छू रही है और निवेश बंद है और बेरोजगारियां भी बढ़ने वाली हैं। यही नतीजा होता है दोस्तों जब कोई आदमी या देश गलत काम करता है तो। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, पीएम मोदी बोले मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता, देशवासियों के लिए करता हूँ। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी न सिर्फ जगह जगह रैलियां कर रहे हैं बल्कि टीवी चैनलों पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, और साथ ही गांधी परिवार से लेकर राम मंदिर और मुस्लिमों तक पर खुलकर बात की है उन्होंने। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2019 को लेकर है। बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम दोस्तों 15 अप्रैल तक घोषित हो सकते हैं, इस तरह की टेंटेटिव डेट चल रही है मीडिया में। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, राजस्थान में मतदान दिवस पर घोषित हुआ सरकारी अवकाश। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने आम चुनाव के मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित की घोषणा की है। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरण में 29 अप्रैल व 6 मई को होना है, और इस समय सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके यहाँ पर छुट्टियां घोषित कर दी हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, आपके जीपीएस डिवाइस आज से बंद तो नहीं हो जाएगी, इस तरह कीजिए चेक। जी हाँ दोस्तों, जीपीएस सिस्टम 6 अप्रैल 2019 से एक संकट का सामना करने जा रहा है, और जिसे जीपीएस रोल ओवर नाम दिया गया है। हो सकता है कि आज से आपके जीपीएस डिवाइस काम करना बंद कर दे, हालांकि इसे चेक करना बेहद आसान है। किसी परेशानी से बचने के लिए आपको समय रहते अपने डिवाइस को चेक कर लेना चाहिए। इसके दो तरीके हैं, पहला और दूसरा तरीका दोनों ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। अब आखिर पूरी समस्या क्या है, इसका भी एक वजह है दोस्तों, रीजन आप देख पा रहे। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, अब आयकर विभाग ने नोटबंदी को बताया सही कदम, पेश किया आंकड़ा। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी को सही कदम बताते हुए 2017-18 में उसने 1.07 करोड़ नए करदाता जोड़े, यानी कि नोटबंदी के बाद टैक्स पेयर्स की संख्या में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की बढ़ोतरी हुई है, और इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी को सही कदम बताया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, 11 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण, जानिए किस सीट से कौन है उम्मीदवार। जी हाँ, देश के लोकतंत्र का पहला चरण 11 अप्रैल 2019 को ही शुरू होगा, और 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर इस दिन मतदान होंगे, जिनमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, इसी तरह से बिहार की भी 4 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 2 सीटें हैं, और इनके उम्मीदवारों के नाम भी यहां पर दिए हुए हैं दोस्तों, एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के चुनाव का बिगुल 11 अप्रैल 2019 से ही पहले चरण के रूप में प्रारंभ होने जा रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, चोरी हो गए वाहन के बारे में यहां पता लगाइए, दिल्ली सहित 8 राज्यों के लिए है ये सर्विस। जी हां दोस्तों, वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और इसी के साथ ही गाड़ियों की बरामदगी भी मुश्किल होती जा रही है। कई बार गाड़ी किसी दूसरे जिले या दूसरे राज्य में पुलिस को मिलती है, लेकिन गाड़ी अपने मालिक तक नहीं पहुंच पाती है, और इसी को दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली सहित उत्तर भारत के 8 राज्यों में बरामद हुए चोरी के वाहनों का एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया गया है। बरामद हुए वाहनों में अपनी गाड़ी का नाम पता आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके लिए 8 राज्यों का एक जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जिप नेट तैयार किया गया है। इनमें दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में चोरी हुए वाहन शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी या आपके मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, किसी भी जान पहचान वाले का आपकी नजर में वाहन खो गया हो और नहीं मिला हो, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, कुछ भी, तो आप उनको ये जिप नेट वाला लिंक जरूर बता दें। jipnet.delhipolice.gov.in करके ये लिंक है, यहाँ पर आप ब्राउज फिल्टर सर्च करके अपने वाहन के बारे में पता लगा सकते हैं। आप जरूर किसी की हेल्प मदद करके भलाई का काम कर सकते हैं, समझ गया ना। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर है। वोट डालने वाले लोगों को मतदान के दिन पेट्रोल डीजल खरीदने पर मिलेगा यह डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह तय किया है कि मतदान के दिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले मतदाताओं को 50 पैसे प्रति लीटर की छूट दी जाएगी। यह रियायत चुने हुए पेट्रोल पंपों पर ही दी जाएगी, लेकिन ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बात इसलिए कही है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, और आपको भी करना चाहिए दोस्तों, आप अपना वोट खाली न जाने दें। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा में किए गए कई बदलाव छात्रों को अगले सत्र से देनी होंगी
होंगी दो परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में अगले सत्र से ही कई बदलाव यानी कि चेंजेज होने जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को मुख्य परीक्षा से पहले एक और परीक्षा देनी होगी ताकि परीक्षार्थियों की तैयारियां बेहतर तरीके से हो सके। छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षा विभाग ने शैक्षिक पंचांग में प्री बोर्ड को शामिल कर लिया। यानी कि आपको दोस्तों मेन बोर्ड एग्जाम होगा, उससे पहले एक प्री बोर्ड एग्जाम देना होगा, उसकी कॉपियां आपको दिखाई जाएगी ताकि आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। इस तरह का पैटर्न यूपी बोर्ड में नेक्स्ट ईयर से ही शुरू होने जा रहा है। ओके, अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, पासवर्ड से लेकर लाइक तक अमेजोन क्लाउड सर्वर पर लीक हुआ फेसबुक के करोड़ों यूजर्स का डेटा। जी हाँ, फेसबुक एक बार फिर से डेटा लीक को लेकर चर्चा में, और पता चला कि फेसबुक यूजर्स के डेटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा सार्वजनिक रूप से अमेजोन के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर पर नजर आ रहा है। और इसीलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ दोस्तों, आप अपने फेसबुक अकाउंट पर, यहाँ तक कि इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी मेरे मानो तो अपनी कोई ज्यादा निजी तस्वीरें, पर्सनल डिटेल्स वगैरह शेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर है, आपकी सिक्योरिटी के लिए भी और आपकी लाइफ के लिए भी, है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, राहत, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाया और कर्ज लेना सस्ता होगा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक समीक्षा के दौरान लगातार दूसरी बार नीतिगत ब्याज दर में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। इससे बैंक भी ग्राहकों के लिए कर्ज की दरें घटा सकते हैं और आपका होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन सस्ता हो सकता है। ओके, अगला अपडेट है दोस्तों, शिकायत दूर करने में देरी पर बैंक कस्टमर्स को मिलेगा मुआवजा, आरबीआई की बड़ी पहल। जी हाँ दोस्तों, बैंक कस्टमर्स की शिकायतें दूर करने में अगर कोई बैंक देरी करता है तो उन्हें कस्टमर को मुआवजा भी देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कस्टमर्स के हित में एक अहम प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पेमेंट सिस्टम को कस्टमर्स की शिकायतों को तय समय में ही दूर करना होगा। आरबीआई ने शिकायतों के लिए जून के अंत तक टर्न अराउंड टाइम यानी कि टीएटी फ्रेमवर्क लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इससे दोस्तों ग्राहकों की जितनी भी समस्याएं हैं बैंकों को लेकर, वो बहुत ही जल्दी से सही समय में निपट सकेगी। ये भारतीय रिजर्व बैंक का बहुत अच्छा फैसला है सभी भारतीयों के लिए। अगली बड़ी खबर दोस्तों, अब आईफोन वालों के लिए भी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कंपनी व्हाट्सएप ने गुरुवार को कहा है कि अब एप्पल आईफोन इस्तेमाल करने वालों को भी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। पहले यह सिर्फ एंड्रॉइड उपभोक्ताओं के लिए अवेलेबल था, जो कि अब दोस्तों एप्पल यानी कि आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल होगा, तो अच्छी बात है ये। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, अपन अगली बड़ी खबरें जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी तो आपको सरकार की कुछ नई नियम अपडेट, नई स्कीमें, कानून कायदे जानने बाकी हैं, तो एक एक करके मैं आपको सभी काम की और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट से बता देता हूँ। आप बने रहेगा और इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले बड़े खबर की दोस्तों, तो शाहरुख खान ने हासिल की एक और उपलब्धि, द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने दी डॉक्टरेट की उपाधि। जी हाँ, शाहरुख खान बॉलीवुड के अभिनेता को लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। अच्छा अगले बड़े खबर दोस्तों, 30 अप्रैल के बाद इन फोन में नहीं चलेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने कुछ विंडोज फोन को रिटायर करने की प्लानिंग की है। माइक्रोसॉफ्ट के एक अधिकारी के बयान के मुताबिक 30 अप्रैल 2019 से कुछ विंडोज स्मार्टफोन में फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐप का सपोर्ट बंद हो जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पहले से ही विंडोज 8.1 के निचले वर्जन पर काम नहीं कर रहा है, और ऐसे में कहा जा सकता है कि इस शटिंग डाउन सीजन में माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक भी शामिल हो गए हैं, तो ध्यान रखें इस तरह के स्मार्टफोन यूजर्स। अच्छा अगले बड़ी खबर दोस्तों, महिलाओं को 3,000 प्रति माह पेंशन, तो 2.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर लगेगा 2% अतिरिक्त टैक्स। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी सपा ने शुक्रवार को लखनऊ में घोषणा पत्र जारी किया, और इस घोषणा पत्र में सपा ने सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को लुभाने का प्रयास किया। देखते हैं क्या घोषणा पत्र में बातें कही है। पहला तो यह कि महिलाओं को मिलेगी 3,000 रुपए हर महीने पेंशन। सपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्यूमेंट जारी करते हुए ये बातें कही है, और भी कुछ जनता को लुभाने वाले पॉइंट्स अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा अगले बड़ी खबर दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों को ऐप के जरिए मिलेगी क्वालिटी हेल्थ सेवा। जी हाँ, इंडियन रेलवे की ओर से काफी अच्छी पहल की शुरुआत की जा रही है। अपने एम्प्लॉय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाया है, और भारतीय रेलवे अब माइक्रोसॉफ्ट के केजाला ऐप की सहायता से अपने कर्मियों की चैट आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो ये इंडियन रेलवे का नया टेक्नोलॉजी युक्त अपडेट है। अच्छा अगले बड़ी खबर दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी से इस महिला ने लिया तलाक, अब बनी 2.52 लाख करोड़ की मालकिन। जी हाँ, जेफ बेजोस का नाम आपने जरूर सुना होगा, अमेजोन कंपनी के फाउंडर भी है और अभी सीईओ भी है। ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स है। तकरीबन 25 साल पहले इनकी और इनकी वाइफ मैकेंजी की शादी हुई थी। इनके 4 बच्चे भी हैं। 1994 में इन्होंने शादी की थी, लेकिन अब ऑफिशियली इन्होंने तलाक दे दिया है। अमेजोन कंपनी के 4% शेयर इनको दिए गए तलाक के बाद मुआवजे के रूप में, और इसके बाद दुनिया की ये चौथी सबसे अमीर महिला बन गई है। कुल मिलाकर के दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर और रईस ज्यादा आदमी होने के बाद भी हालात तो वही है ना, जो हम समझ सकते हैं। आखिर सुकून और चैन कहीं पर भी नहीं है। इनके पास पैसों की कमी ना होते हुए भी एक पति पत्नी को इस उम्र में आकर तलाक लेने की क्यों जरूरत पड़ रही, जरा गौर फरमाइएगा सोच करके।
अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तानियों को फिर झटका, मोदी सरकार ने ऐसे कमा लिए 1150 करोड़ रुपए। जी हाँ, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने में जुटी मोदी सरकार ने अब उसे एक और झटका दिया है। सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को झटका देते हुए स्त्रू शेयरों को बेचकर 1150 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये स्त्रू शेयर देश की बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार विप्रो में मौजूद थे और एनमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के तहत गृह मंत्रालय की देखरेख में भी थे। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड पर नया पता, आपको करना होगा सिर्फ इतना काम। जी हाँ दोस्तों, अब आधार कार्ड पर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अब आपको कहीं पर भी लाइन में लगने की भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने आधार कार्ड पर दिए गए पते को ऑनलाइन ही बदल सकते हैं। आपको लॉगिन करना है uidi.gov.in पर। इसके बाद एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट ऑनलाइन ही उस लिंक पर क्लिक करना है। एक नया टैब खुलेगा, इस नए टैब में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अब सामने आए टैब में अपडेट एड्रेस के विकल्प पर क्लिक करना आपको और अपना आधार कार्ड नंबर डालकर लॉगिन करना है। ऑफिशियल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना है और ओटीपी डालते ही आपको अपने आधार अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपने अनुसार नया पता अपडेट करके सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। बता दें दोस्तों कि डाटा अपडेट रिक्वेस्ट के बाद आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी देने पड़ सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह वगैरह, ताकि आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाए अच्छे से और यहीं घर बैठे आप ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। तो वाकई में आधार कार्ड होल्डर्स के लिए नया नियम है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। अब आपको ई मित्र वगैरह कहीं पर भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की योजना के अनुसार अब इंडिया में 3 गुना होगी मूवी थिएटर्स की संख्या। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिल्म जगत की साझेदारी में बड़ी संख्या में अतिरिक्त मल्टीप्लेक्स का निर्माण करने की योजनाएं हैं और उनकी योजना के अनुसार थिएटरों मल्टीप्लेक्स की संख्या देश में 3 गुना तक बढ़ सकती है। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, विवादों के बीच टाटा स्काई ने दी सफाई और कहा नमो टीवी न्यूज सिर्फ सर्विस नहीं स्पेशल इंटरनेट सर्विस है। नमो टीवी लॉन्च होते ही सरकारी लाइसेंस को लेकर विवादों में गिरी है और ऐसे में टाटा स्काई ने सफाई दी है कि ये सिर्फ एक स्पेशल चैनल है। अच्छा, अगले बड़ी खबर में जान लेते दोस्तों आज के सोना चांदी के भाव। तो सोना 100 रुपए चढ़ करके 32,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और वहीं चांदी 38,530 रुपए तक पहुंच चुकी है 200 रुपए की बढ़ोतरी के साथ। अच्छा, अगले अपडेट में जान लेते दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के भाव। तो पेट्रोल की कीमतों में कुछ उछाल आया, डीजल की कीमतें नहीं बदली है और इसके बाद भारत में आज पेट्रोल के रेट देख सकते हैं 72.60 रुपए प्रति लीटर बेसिकली ऑन एवरेज और डीजल का रेट है 66.44 रुपए प्रति लीटर। और भी कुछ राज्यों में अलग अलग 2-4 रुपए ऊपर नीचे रेटे हो सकती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगले बड़े खबर दोस्तों, मारुति सुजुकी ने 35 साल बाद भारतीय बाजार में बंद की ओमिनी वैन। जी हां, लंबे समय से ओमिनी वैन को बंद करने को लेकर कंपनी विचार कर रही है लेकिन आखिर फाइनली फैसला कर लिया और मारुति सुजुकी ने ओमिनी एमपीवी को फाइनली बंद ही कर दिया। अब इसकी जगह पर नया मॉडल उतारने जा रही है कंपनी। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, अगले 24 घंटे में इतने करोड़ किसानों के बैंक खाते में आएगी 2,000 रुपए की दूसरी किस्त, क्या है इनमें आप? जी हां दोस्तों, फाइनली मोदी सरकार से जुड़ी अहम योजना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2,000 रुपए से जुड़ी दूसरी किस्त आपको 24 घंटे के अंदर अंदर यानी कि एलिजिबल किसानों को, जिसमें 3,27,000 किसान शामिल हैं, उनको ये रकम मिल सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर। हालांकि सरकार ने इसे 1 अप्रैल को किसानों के अकाउंट में पहुंचाने का दावा किया था लेकिन 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के तहत कुछ अटकलें आ गई होंगी और ऐसे में अब बताया जा रहा है दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खातों में ये पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इसके लिए कुछ किसान अन एलिजिबल होंगे तो इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, यूसी ब्राउजर के प्रमुख समेत 2 के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला गया है। जी हां, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चीन कंपनी यूसी ब्राउजर के 2 अधिकारियों डेमन सी उर्फ सीओ और स्टीवन सी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इन्होंने कुछ नियम कानून कायदे तोड़े हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी अपडेट है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हक में दिया ये फैसला, अब बिल्डर नहीं कर सकेंगे मनमानी। जी हां, घर खरीदारों को एक तरफा एग्रीमेंट साइन करने के लिए बिल्डर्स मजबूर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे बिल्डर ने तैयार कराया हो और घर खरीदार के पास दस्तखत करने के अलावा और कोई ऑप्शन न हो तो ऐसा एग्रीमेंट फाइनल या बाध्यकारी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता कानून की धारा 2R के तहत ऐसी बिक्री जिसमें छिपाकर कुछ कहा गया हो अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा एग्रीमेंट जिसे बिल्डर ने तैयार किया उसे मानना बाध्य नहीं है। तो ये आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला, नया नियम है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, ईएसआईसी रिक्रूटमेंट 2019 को लेकर 2,258 पदों पर वैकेंसी निकली है। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलग अलग पदों की डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे, इसके लिंक में नीचे डाल दूंगा दोस्तों, तो आप चेक कर लेना आराम से। लास्ट डेट 15 अप्रैल है, उससे पहले आप अप्लाई करते तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, आधार अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वहीं अगला अपडेट है दोस्तों, सरकार की योजना घर के किराए से सस्ती हो होम लोन की ईएमआई। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने यह बात कही है कि सरकार ब्याज दरों में इतनी कटौती करना चाहती है कि आपके होम लोन की मासिक किस्त किराए से भी कम हो जाए। वैसे इसी के चलते रिजर्व बैंक ने भी दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की है इसी महीने। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी A20 स्मार्टफोन, एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया। इसके फीचर्स, डिटेल्स, प्राइस वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कीमत है तकरीबन 12,490 रुपए, 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये रैम अच्छी खासी दी है इसने। बैटरी वगैरह भी 4000 mAh तक दी हुई।
हुई है ओके। और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं डीएलएस सिस्टम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों सबसे ज्यादा पानी कौन से फल में पाया जाता है। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारे डीएलएस सिस्टम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट लैपटॉप टैबलेट पीसी गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और हां गिव अवे का अनाउंसमेंट जल्द भी आपको एवरी मंडे यानी कि सोमवार को डीएलएस स्विच के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यही फिनिश होते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर। और हां साथ ही डीएलएस स्विच पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर खबर न्यूज अलर्ट सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।